दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसराइल जाने के लिए एजेंट कितने रुपए लेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर जो ज़्यादा चल रहा है ना वो इसराइल जॉब के लिए चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, बहुत ही अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही है, मतलब लोग दे रहे हैं, मतलब कि वहाँ जो इसराइल की कंपनियाँ इतना पैसे दे रही है जॉब के लिए, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपये एकोमोडेशन फ्री कर दे रही है, रहने खाने का फ्री कर दे रही है, ठीक है, तो इतना तो हो रहा है। अब बात यहाँ पर आती है कि अभी जो ये फ्री का जो अभी चल रहा है ना, फिलहाल ये जो फ्री वाला सिस्टम चल रहा है कि आप जो इसराइल जॉब के लिए जा सकते हो, जो इंटरव्यू चल रहा है हर जगह, तो वहाँ से जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसी बीच में कुछ एजेंट हैं, देखो सबकी हम बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी के जो एजेंट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम आपसे 1 लाख रुपए लेंगे और आपका हम पूरा गाइड करेंगे, पूरा आपको बताएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या करें, जो फ्री वाला चल रहा है ना इंटरव्यू, वो आपसे पैसे लेंगे, हाफ पेमेंट पहले ले लेंगे और आपको बोलेंगे यहाँ पर इंटरव्यू देने जाओ, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवा देंगे श्रम विभाग पे, और उसके बाद वो आपको बोल देंगे यहाँ पर इंटरव्यू देने जाओ, और इंटरव्यू यहीं पर जो फ्री वाला हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, चार स्थान में हो रहा है, तो वहाँ पर ही आपको जाना है। अब जब आप वहाँ पर जाते हो और आपसे जो है वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, बाकी के अमाउंट भी चार्ज कर लेता है, जैसे 50,000 आपने एडवांस दिया था और 50,000 अपॉइंटमेंट, मतलब 50,000 जो है आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद, वहाँ इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद 50,000 दिया था 1 लाख रुपये एजेंट के लिए। ये फालतू में बस इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था कि फ्री का भी इंटरव्यू चल रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ जाना चाहिए, आपने थोड़ा इंक्वायरी नहीं करी और यही इंक्वायरी उसने करके रखा था और वहाँ से आप उसने जो है आपसे ले लिया। सेकेंड कैटेगरी के जो एजेंट है, अब हम उनकी बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी के जो एजेंट है वो चार्ज कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपए तक। अब 2 लाख 3 लाख रुपए तक क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई आपको जो हो सकता है उनका अंदर सेटिंग हो वहाँ से, या फिर ये जो इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर किसी न किसी से अंदर सेटिंग हो, ये सेटिंग करके जो है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करा के आपको जो है वहाँ पर भिजवा रहे हैं, वो चार्ज करते हैं 2 से 3 लाख। अब बात करते हैं जो 3 से 4 लाख 5 लाख तक ही जाते हैं, यहाँ तक भाई बात हुई। अभी आप हमारे जो इसराइल की वीडियो है ना, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, राजस्थान में हर जगह 5-5 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए लोग मांग रहे हैं, क्योंकि मंथली जो सैलरी है 1.5 लाख 1 लाख 80,000 2 लाख रुपए तक है, लोग जा रहे हैं इसराइल तो इतनी सैलरी मिल रही है। तो अभी जो एक कुछ कंपनियां हैं जो एजेंट हैं भाई, जेन्यून है वो एजेंट, बहुत सारे एजेंट हैं जो जेन्यून है, इतने पैसे मांग रहे हैं, लेकिन केस ये हो रहा है कि वो 4-5 लाख रुपए आपसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका जो है टाइप है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने टाइप करा है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनियां हैं इसराइल में उनके साथ, या फिर जो अलग कंपनियां हैं उनके साथ उन लोगों ने टाइप करा है, और वो टाइप करा वो आपका डायरेक्ट यहीं पर वो खुद इंटरव्यू आपका लेंगे जो यहाँ पर होगा, और हो सकता है वहाँ की कुछ कंपनियों के 1-2 बंदे आए हो जो आपका इंटरव्यू यहाँ पर ले, यहाँ पर इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद फिर वो आपको इसराइल भेज देंगे, और उसी कंपनी में जो जहाँ पे के लिए आपने इंटरव्यू दिया होगा तो वो अगर आपको डायरेक्ट भेजते हैं, जो यहाँ पर इंडिया में इंटरव्यू चल रहा है इसको छोड़ दो साइड में, अगर वो आपको डायरेक्ट जो मैन पावर एजेंसी है वो आपका इंटरव्यू लेके आपको भेजती है 4-5 लाख रुपये आपसे चार्ज लेके, ठीक है, तो वो आपको भेज देती है डायरेक्ट इसराइल और वहाँ जाके आप जो है आराम से जॉब कर सकते हो, और जिस कंपनी में भेजा अगर वहाँ पर आप पहुँच जाते हो तो, ठीक है, दूसरी कंपनी जो ये चार्ज करती है। अब तीसरी कंपनी एक और आ गई है भाई, जो आपको जो है आपसे पैसे भी चार्ज कर रही है 4-5 लाख रुपये, उसमें भी बोल रही है कि आप 2 लाख रुपये एडवांस दे दो, 2 लाख का आपका जो है ये लोन हो जाएगा। सोचो अब लोन पर भी, लोन आपका कराया जाएगा अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो, मतलब 4 लाख रुपए, सपोज दैट एक आप अमाउंट मान लो 4 लाख रुपए आपको जो है पे करना है एजेंट को इसराइल जॉब करने जाने के लिए, 2 लाख आपसे एडवांस ले लेगा, 2 लाख रुपए आपको जो है लोन करा देगा। अब लोन का प्रोसीजर क्या है, लोन सबको नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, आप बहुत गरीब हो, अगर आप उस लायक नहीं हो, एबल नहीं हो, जैसे बैंक वाला नहीं प्रोसीजर होता है कि वो आते हैं इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं कि जो है आप क्या उस एबल हो, आपका सिविल स्कोर क्या, इस तरीके से बैंक वाले चेक करते हैं, तो वहां पर भी जो वो लोन प्रोसीजर होता है ना वो बहुत गरीब जो है भाई उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उनका लोन नहीं कराएंगे, अगर उन्हें लगता है कि वो नहीं भर पाएंगे तो नहीं कराएंगे, अगर वो जाके देखेंगे 2-3 बार वेरीफाई करेंगे, आपके एड्रेस पर जाएंगे वेरीफिकेशन करेगा, उन्हें लगा कि हाँ भर पाओगे तभी भर पाएंगे। और ये जो पैसे होते हैं जो भाई अमीर लोग होते हैं ना, वही लोग अपना फाइनेंस का उनका कंपनी होता है फाइनेंस, वहीं से वो लोग फाइनेंस कराते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ प्रोसीजर है। तो गरीब जो बहुत है भाई उनके लिए तो नहीं, वो लोग भेजेंगे ही नहीं भाई, इतना याद रखो, 2 लाख अगर आप एडजस्ट कर लेते हो 2 लाख का लोन नहीं कराएंगे आपका, ठीक है, तो बाकी का 2 लाख लोन उन्हीं का हो पाता है जब वो लोग आते हैं देखते हैं कि हाँ भाई घर अच्छा है,
ये लड़का भर लेगा या भर न, क्या कर पाएगा, या फिर जो एजेंट आपका करा रहा है वो इन्फ्लुएंस कर देता है कि ठीक हम गारंटी लेते हैं भर देगा, तो उस कंडीशन में उसका लोन जो है अप्रूवमेंट 2 लाख का भी हो जाता है। तो इस तरीके से भी लोन लेके भी जो है भाई लोग जा रहे हैं इसराइल में, अब जाना लोग शुरू किए। ये नई स्कीम एजेंट वालों ने निकाला है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले चल रहा था, नहीं अभी ये चालू हुआ है जल्द से जल्द। और जो लोग डेली महाराष्ट्र जैसे सिटी से होंगे उन्हें आइडिया लग जाएगा, अगर वो किसी एजेंट के कॉन्टेक्ट में होंगे तो उनको पता चल जाएगा राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, अपना जो स्टोरी आपके साथ हुआ है वो शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके। और अगर आपको पर्सनली बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द अभिषेक_सहानी। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।